Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the ovarian cyst part 1, in which we are going to see the introduction, definition, incidence rate, risk factors, causes, types, and its pathophysiology. So let's get started. Okay, so before we start, we should know what is this ovaries. So ovaries, you can see that आपकी यूट्रस, हिंदी में हम इसे बच्चेदानी बोलते हैं, तो यूट्रस के दोनों साइड में ओवरीज अटैच होती हैं। ये देखिए, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दीज ऑल आर ओवरीज। दोनों साइड में एक एक ओवरीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसको मैं कट करती हूँ, इस ओवरी को अगर मैं कट करती हूँ, तो ये इंटरनली आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। मेनली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ओवरीज की जो सिस्ट हैं, यानी कि गांठ है, वो क्या होती हैं, कैसे हो जाती हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो सिंपली सबसे पहले हमें नॉर्मल फंक्शन जानना होगा कि ओवरीज काम क्या करती हैं, उसी के बेसिस पे उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो रही है, डैट इज उसके अंदर सिस्ट या गांठ बन रही है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी गर्ल 13 से 14 के बीच में आती है एज में, दैट इज इट्स प्यूबर्टी एज, ठीक है। प्यूबर्टी एज के टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो पीरियड्स की साइकिल आपकी बनती है विद द हेल्प ऑफ द बहुत सारे सेल्स के थ्रू, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, ओके। तो ये आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ये हैं आपके फॉलिक्यूलर सेल्स। इनका काम क्या है फॉलिक्यूलर सेल्स का, कि ये ग्रुप बनाते हैं और अपने आप का साइज बढ़ाते हैं, और इनके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं ओवा या ओवम। तो ओवम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये फॉलिकल्स अपने आप को सराउंड करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और फाइनली एक सेकेंडरी ओसाइट यानी कि एक मैच्योर ओवम को बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ ओवम ओवम, सो व्हाट इज दिस ओवम। ओवम फीमेल का एग होता है जो कि आगे चल के स्पर्म से मिलकर के एक बेबी बनाने का काम करता है। तो इसको आगे चल के एक बेबी बनाना है, उसके लिए इसको खुद को अच्छे से मैच्योर करना पड़ेगा। तो आपके फॉलिकल्स इसको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। तो सिंपली इसके अलावा जब लास्ट फॉलिकल आपका बन जाता है, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, तब इस फॉलिकल के अंदर स्पेस नहीं रह जाता और कुछ हार्मोन्स जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू ये आपका फॉलिकल टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, और इसके अंदर से एक ओवम यानी कि सेकेंडरी ओसाइट जो कि अब बड़ा हो चुका है, जो कि एक बच्चा बनाने के लिए केपेबल है, वो बाहर निकल करके आ जाता है। ये हो गया आपका नॉर्मल फिनोमेना। इसके बाद ये तो बाहर निकल के आ गया, अब जब ये बचे हुए फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम है डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते हो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है कि वो आपके यूट्रस यानी कि आपके बच्चेदाने की अंदरूनी लेयर यानी इनर लेयर, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको चौड़ा करती है और उसकी ग्रोथ करती है अच्छी सी, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इसी लेयर के ऊपर आपका प्लासेंटा बनेगा, और उस प्लासेंटा से अटैच होगी एक कॉर्ड, और उस कॉर्ड से अटैच होगा आपका बेबी। तो सिंपली इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपके यूट्रस यानी बच्चेदाने के इनर लेयर को चौड़ा होना पड़ता है। कौन चौड़ा कर रहा है, कौन थिकनेस बढ़ा रहा है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, मान लो आप प्रेगनेंट नहीं हुए, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को छोटा करने लगता है
स्ट्रक्चर अपना स्मॉल कर देता है, या आप कह सकते हो कि ये अपने आप को डीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। अब अगर सिस्ट बनेगा तो कहां पे सिस्ट बन सकता है? हो सकता है कि ये सिस्ट आपके फॉलिकल्स में बन रहा हो, हो सकता है आपका ये सिस्ट आपके कॉर्पस ल्यूटियम में बन रहा हो, या मे भी हो सकता है आसपास के सराउंडिंग एरिया में बन रहा हो। आगे देखेंगे कि ये सिस्ट कैसे क्यों बन रहा है। आई थिंक आपको एनाटॉमी क्लियर हुई होगी, मैंने आपको कंप्लीट एनाटॉमी नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूजफुल एनाटॉमी बताई है जो कि आपको इस वीडियो में काम आएगी। ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ओवरीज दो स्मॉल बलून लाइक या एलमंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं, बादाम की तरह, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? ईदर साइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बोथ साइड में सिचुएटेड, बायलिटरली सिचुएटेड होती हैं। किसके अंदर? सिंपली यूट्रस होता है वुमेन के अंदर, तो ओवरीज भी आपको सिर्फ और सिर्फ वुमेन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो डेफिनेशन बताती है कि एन ओवेरियन सिस्ट इज अ सेमी सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर और सैक विद इन द ओवरीज। ओवेरियन सिस्ट सिंपली एक तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है किसी भी सेल की, उसके अंदर मे भी कोई पस भर गया हो, मे भी कोई फ्लूइड भर गया हो, मे भी उसके अंदर कुछ और अननेसेसरी कंटेंट भर गया हो, जिसकी वजह से सेल्स अपना साइज बढ़ा देता है, लेकिन ये कैंसरस सेल्स नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, सिस्ट और कैंसर में बहुत फ़र्क है। आपका सिस्ट कैंसर बन सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन सिस्ट नॉन कैंसरस मेनली आपको देखने को मिलेगा, ये कैंसर कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कॉज कर सकता है, पेन, इनफर्टिलिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये सिस्ट बन सकता है। फर्स्ट है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी मीन्स होता है कि कैंसर बन जाना, मे बी कैंसर बनने की वजह से। देखो, व्हाट इज कैंसर? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो मान लो कि किसी कैंसर सेल्स की वजह से कोई बड़ा सा साइज बढ़ गया हो और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गया हो। इसके अलावा पोस्ट मीनोपॉजियल वोमेन, ऐसी वोमेन जो कि जिनका पीरियड्स ऑलमोस्ट रुक गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपने लिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट कराएं, हो सकता है कि उनके बच्चे ना हुए हों तो वो बच्चे चाहती हैं या फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं, इसके लिए वो कोई हार्मोनल मेडिसिन ले रही हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन कराने का, इस अंडे को बनाने का, ये अंडा मैंने आपको बताया ना, इस अंडे को बनाने का या इसको बाहर निकालने का कोई मेडिसिन ले रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हार्मोनल डिफेक्ट कर रहा है और अंदर गांठें बन जा रही हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन कंडीशन, सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्ट हार्मोन, एंडोक्राइन मीन्स रिलेटेड टू दी हार्मोन, डायरेक्ट हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से सिस्ट बन रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइप्स में एक्सप्लेन करूंगी कि किस हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन नेटवर्क इफेक्ट। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हाइपोथैलेमस मीन्स होता है आपके ब्रेन से रिलेटेड। आपके ब्रेन के पास एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो हार्मोन्स को बाहर निकालने का काम करती है। अब अगर आपकी ओवरीज और आपके ब्रेन का जो कनेक्शन है, जो नेटवर्क है, वो डिस्टर्ब हो गया और अननेसेसरी हार्मोन्स बाहर आने लगे, हो सकता है कोई ग्रोथ हार्मोन बाहर आने लगा जिसकी वजह से उसने ओवर ग्रोथ ऑफ दी ओवरीज कर दी, या ओवरी के किसी सेल्स की ओवर ग्रोथ कर दी और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गई। इंसिडेंस रेट की अगर तुम बात करोगे तो 5% से 10% वोमेन आपको ऐसे मिलेंगी जो किस एज में सिस्ट उनके अंदर निकल रहा है, चाइल्ड बियरिंग के एज में सिस्ट निकल रहा है। ऐसी वोमेंस जिनको पीरियड्स आते हैं, उन वोमेंस के अंदर सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि उनके अंदर हर महीने हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर टाइप्स की बात करेंगे हम तो मेनली हमारा जो है सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दी फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट एंड पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट।
देखो फंक्शनल मींस होता है कि हर मंथ जो हमारी नॉर्मल बॉडी में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल बॉडी में फंक्शन हो रहा है हर महीने, हो सकता है उसमें कोई डिस्टरबेंस आ गई हो तो फंक्शनल ओवेरियंसिस निकल गया हो, या पैथोलॉजिकल की बात करोगे तो इट इज टोटली रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, ठीक है। किसी भी डिजीज कंडीशन के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई सिस्ट निकल गया हो, डेट इज नोन एज पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। डेफिनेशन देख लो, सिस्ट जो कि डेवलप हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब आपकी ओवरीज में फंक्शन होता है, इसका मतलब हर महीने जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपकी ओवरीज में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। उस दौरान अगर कोई सिस्ट बन गया, डेट इज नोन एज फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। तो सिंपल सी चीज है, ये हो सकता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो गए हों, है ना, हो सकता है मैलिग्नेंसी हो गई हो सकता है बिनाइन ट्यूमर हो गया हो जिसकी वजह से सिस्ट भी बन गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट फर्दर डिवाइड है कई सारे टाइप्स में। देखो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में पहला आ जाता है तुम्हारा मोस्ट कॉमन फॉलिक्यूलर सिस्ट। तो जैसा कि मैंने तुमको बता दिया है कि फॉलिकल्स यानी कि ये जो आपको आसपास सेल्स दिख रहे हैं इस ओवम के, इनको हम लोग फॉलिकल्स बोलेंगे। अब सिंपल सी चीज है, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये पहले छोटा था, देन इसने अपना साइज बढ़ाया, देन ये और बड़ा हो गया, देन साइज और बढ़ गया। आफ्टर डैट क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि इसको अपने आप को रप्चर ही करना पड़ा, क्योंकि अब इसके अंदर स्पेस नहीं थी कि अपना साइज बढ़ा पाए। तो एट लास्ट क्या हुआ कि इसने अपने आप को तोड़ दिया, रप्चर कर दिया। अगर मैं बोलती हूं कि ये अपने आप को ना तोड़े, ठीक है, ये अपने आप को ना तोड़े, ठीक, ये एज इट इज जैसा था वैसा रहे, और इसके अंदर क्या कहते हैं कि स्पेस भी नहीं बच रहा है, तो इसके अंदर फ्लूड भर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में, एनी फ्लूड फिल्ड कैविटी, सेमी सॉलिड कैविटी, फ्लूड भर जाएगा, सेमी सॉलिड ये हो जाएगा, आप सेमी सॉलिड में थोड़ा आप इसे दबा सकते हो, दब जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना साइज बढ़ा देगा, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये एक तरह का सिस्ट बन जाएगा, डेट इज नोन एज फॉलिक्यूलर सिस्ट। यहाँ पे देख लो, फॉलिक्यूलर सिस्ट अकर्स व्हेन द फॉलिक्यूल्स ऑफ द ओवरीज डज नॉट रप्चर और रिलीज इट्स एग, ठीक है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ओवम इसके बाहर नहीं आ पा रहा है, ना ही ये अपने आप को तोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर ओवरग्रोथ हो गई और ये एक फॉलिक्यूलर सिस्ट बन गया। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि देखो जब ये अपने आप को साइज इतना ज्यादा बढ़ा लेता है तो इसको दो हार्मोन की जरूरत होती है। एक हार्मोन है आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन फॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ाने के लिए FSH काम करता है। तो जब ये साइज अपना कंप्लीट बढ़ा देगा तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम होना पड़ेगा, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दूसरी तरह का हार्मोन है, इसका काम क्या है कि ये जो है इसको रप्चर कराने यानी तोड़ने का काम करता है, इसको इंक्रीज हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, फॉलिकल्स अपना साइज रोक देंगे और LH इनको जाकर के तोड़ देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से फॉलिकल्स का साइज बढ़ता चला जा रहा है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सफिशियंट है ही नहीं, थोड़ा बहुत निकल रहा है जिसकी वजह से ये तोड़ ही नहीं पा रहा, ठीक है, और फॉलिकुलर सिस्ट कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका फंक्शनल में ही देख रहे हैं हम लोग अभी भी, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। देखो सिंपली मैंने आपको नोट में बता दिया कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जब आपके फॉलिकल्स इस तरह से टूट जाते हैं, जो बचे हुए सेल्स होते हैं वो एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यूस अपना साइज बढ़ाता रहे, और मैंने आपको बताया था कि जब प्रेगनेंसी आपकी कंसीव नहीं हो पाती है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना साइज घटाने लगता है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि फेलियर इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम अपना साइज डिक्रीज कर ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका सीधे सीधे कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन रहा है, ठीक। सो इट इज अ टाइप ऑफ द फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट दैट रिजल्ट व्हेन अ कॉर्पस ल्यूटियम फेल्स टू रिग्रेस फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द ओवम, ठीक है।
रिग्रेस मतलब अपना साइज छोटा ही नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यूस अपना साइज बढ़ाता चला जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। तो सिंपली इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, तो डर्मोइड सिस्ट एक स्पेशल टाइप के सेल्स से मिलके बनता है। इन सेल्स को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं, अगर ये कहीं पर भी निकल आए तो ये किसी भी रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस सेल्स के अंदर आपको हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, फ्लूड भी दिख रहा होगा, है ना, अजीब तरह का ये आपको दिख रहा होगा। तो ये टोटिपोटेंट सेल्स क्या करते हैं, अगर ये ओवरीज के अंदर निकल आए तो ये एक सिस्ट बनाने के साथ साथ उसके अंदर हेयर्स बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर टीथ बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर अननेसेसरी टिश्यू बनाने का काम करते हैं, इवन ये इसके अंदर बोन भी बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, डर्मोइड सिस्ट ही काफी ज्यादा डेंजरस होता है, इसके अंदर सर्जरी करनी पड़ती है, विदाउट सर्जरी ये ठीक नहीं हो सकता और ये काफी पेनफुल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्ट एडेनोमा सेल्स, या आप कह सकते हो सिस्ट एडेनोमा सेल्स। देन ये क्या है, एक तरह के ओवेरियन कार्सिनोमा है, कैंसरस ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर सेल्स में। देखो एडेनोमा मींस होता है कैंसर, ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, फिलहाल के लिए ये बिनाइन है, ठीक, लेकिन बाद में ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है मैलिग्नेंसी में और अननेसेसरी ग्रोथ अपनी बढ़ा सकता है। ये उन लोगों में देखा गया है जिसमें ओवल्यूशन ड्रग्स लिए गए हैं। ओवल्यूशन मीन्स होता है कि इस एग को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का ओवल्यूशन स्लो है या नहीं हो पा रहा है या एब्सेंट ओवल्यूशन है, वो इस तरह के ड्रग्स को लेते हैं ताकि ये सेल्स बाहर निकल पाए। और जैसा कि मैंने तुमको बता दिया कि इस सेल को बाहर निकालने में किसका रोल होता है, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अननेसेसरी एबनॉर्मल या डिसबैलेंस आपका हॉर्मोन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवल्यूशन जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका ये सिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोमेट्रियोमास। देखो एंडोमेट्रियम एक तरह की डिजीज कंडीशन है। पहली चीज तो एंडोमेट्रियम क्या है, आपकी इनर लेयर ऑफ द यूट्रस है, ठीक है, आपकी यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स कैसे आते हैं, यही एंडोमेट्रियम टूट जाती है और टूटने के बाद ये ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। लोकेशन इसकी नॉर्मल लोकेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होती है, ये सिर्फ यूट्राइन कैविटी में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बोलूं कि ये एंडोमेट्रियम आपके फेलोपियन ट्यूब में, आपके ओवरीज के अंदर, आपके फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, आपके फंडस के ऊपर एबनॉर्मली इंक्रीज हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोमास, ठीक है, एबनॉर्मल मास ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ द सिस्ट दैट कैन फॉर्म ऑन द ओवरीज कॉज्ड बाय द एंडोमेट्रियोसिस। तो ये भी तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ना सेल्स की, एबनॉर्मल सेल्स, एंडोमेट्रियम के एबनॉर्मल सेल्स आपको ओवरीज पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मान लो ये सेल्स अपने आप को और ज्यादा एबनॉर्मली बढ़ा दें, साइज इनका बढ़ जाए, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर धारण कर लेंगे या क्या बन जाएंगे, ये एक तरह का सिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियोमास। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो किसी भी एटियोलॉजी की वजह से, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे वो आपने कोई हार्मोनल मेडिसिन ली हो, चाहे ओवुलेशन के लिए कोई मेडिसिन चल रही हो, हार्मोनल एक्टिविटी डायरेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे ही हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इसको तोड़ने वाला हार्मोन था, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, ये रप्चर नहीं होगा, प्रिवेंट टू रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, कंटिन्यूस इसके अंदर ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी और ये एक सिस्ट के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन सिस्ट टिल पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कुछ भी समझ में आया या नोट्स आपको इजी लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जब मुझे लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।